तो उधर प्रदेश में 3 महीने बाद सरपंच आज से काम पर लौट गए हैं, लेकिन अभी भी विवाद यहां पर खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सरपंचों की आपसी खींचतान के बीच में अब दावों का दौर यहां पर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सरपंच संघ ने यह दावा किया है कि अधिकतर जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के साथ है। जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ का कहना है कि सरपंच संघ के साथ 20 से 22 जिला अध्यक्ष हैं और इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ही होंगे। उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गुढ़ा साहब को पता नहीं है कि सरपंच संघ की कार्यकारिणी पूरी चुनाव प्रक्रिया के बाद ही गठित की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति का धरना पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की आवास पर 6ठे दिन भी जारी है। राजेंद्र गुढ़ा जी का कहना मैं उचित ही नहीं मानता कि वो क्या कह रहे हैं। ये एसोसिएशन हमारा है, ये तय हमारा करना है कि छोटा और बड़ा है। जब प्रदेश के संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये निर्णय कहना हमारा दायित्व है कि कौन है और कौन नहीं है। इस वजह से उनकी बातों को प्रदेश सरपंच संघ कार्यकारिणी और हम लोग पूर्ण तरीके से खारिज करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि दूसरा पक्ष कोई है नहीं। अगर कोई अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर कहीं किसी व्यक्ति अपनी खुद की भावना से कहीं बैठे हैं तो वो चंद लोगों को अगर आप बता करके दूसरा पक्ष कह नहीं सकते। सारा सरपंच संघ एक है और वो नियमानुसार गठित हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों ने जिलाध्यक्षों को नियुक्त किया है, जिलाध्यक्षों ने हमारे जो बंशीधर जी गढ़वाल हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष चुना है। तो सरपंचों का जो धरना है वो बताया जा रहा है कि अब भी जारी है। विवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि जो सरपंच है वो 3 महीने के बाद आखिरकार काम पर लौट गए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि आज से काम पर प्रदेश भर के जो सरपंच हैं वो लौटे हैं और मांगों पर सरपंचों की आपसी जो प्रत्यारोप है वो लगातार अब भी जारी है।